हाय, मैं रिकी और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी दो हैवी प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स के बारे में जो मैं कभी मिस नहीं करता और ये मील्स आपकी बल्किंग जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है। और अगर आप भी मेरी तरह हार्ड गेनर हो तो सच मानो ये आपकी बल्किंग जर्नी में एक गेम चेंजर का काम करने वाली है। तो थोड़ा मैं अपनी जर्नी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इस पिक्चर में मैं 10th क्लास में था, इसमें मैं 11th में एंड इसमें मैं 12th में। तो इन तीनों साल में मेरे में कुछ चेंज नहीं आया। मैं सिंगल पसली था क्योंकि मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं करी थी और मैं डाइट बिल्कुल नहीं लेता था। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में जिम ज्वाइन करी और एक चीज मैंने सीखी थी अपने भाई से कि प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील कभी मिस नहीं करना चाहिए। प्री वर्कआउट मील मैं ऐसी लेता था जो भाई बहुत ही खतरनाक होती थी, जो कि कम क्वांटिटी में ज्यादा कैलोरीज देती थी मेरे को और मुझे और चाहिए क्या। इसका टेस्ट काफी अच्छा है और ये इजी टू प्रिपेयर भी है, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो चलो चलते हैं बनाने बिना टाइम वेस्ट किए। इवन इस प्री वर्कआउट मील ने बघीरा को भी हेल्प करी है बल्किंग में। जो मील मैं लेता हूँ, ये बघीरा कितना बल्क हो गया है वो ले लेके 50 किलो हो गया मम्मी। इसने कितना गेन कर लिया इसने। हाँ, लगभग 50 किलो पहुंच गया वो। तो पहले अपन इसको रख लेंगे ऊपर और इसमें अपन यूज करने वाले 100 ग्राम ऑफ ओट्स। अभी ज़्यादा से कम कैसे होगा? तो इसको पहले अपन पीस लेते हैं। इसको पीस के रख लेना यार, ज़्यादा हेल्प होगी आप लोगों की। ये बन चुका है अपना पाउडर फॉर्म में। इसमें अपन ऐड करने वाले हैं पीनट बटर। इस पीनट बटर का भाई टेस्ट अलग ही लेवल है, लिटरली ये मेरे को न्यूट्रल जैसा टेस्ट देता है। वैसे पहले मेरे को पीनट बटर पसंद भी नहीं थे बिल्कुल भी, पर अब मेरे को एक तरीके से मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूँ और कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज देता है। तो सबसे पहले अपन 2 चम्मच डालेंगे इसमें अपनी, एक जो नॉर्मल चम्मच होती है भर भर के, ये भी आपके लिए एक बल्किंग में अमृत का काम करेगा। इस चम्मच को फेंको मत यार, अब आगे का बघीरा खाएगा। तो अपना ये आ गया और इसमें डालने वाले अपन 2 केले। आप रात भर से भूखे होते हो और सुबह उठते ही आपको एक हैवी मील लेनी चाहिए, क्योंकि अपन रात में 7-8 घंटे तो हो ही जाते हैं और फिर सुबह उठते से ही बिल्कुल अगर लाइट मील लोगे तो ऐसा चलेगा नहीं। तो स्टार्टिंग ही पहले हैवी मील से स्टार्ट करो और ब्रेकफास्ट अच्छा होगा तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। मैं सुबह उठते से ही 1 गिलास पानी पीता हूँ, फिर कुछ लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जैसे ही उठता हूँ बहुत प्यास लगती है भाई, मेरे को रात भर बहुत प्यास लगती है तो पानी की एक बॉटल लेके सोता हूँ। और आप भी सुबह करो यार, हाइड्रेट रहोगे, मतलब जितना वाटर इनटेक होगा उतना ही अच्छा होगा यार, आपके लिए हेल्प करेगा ये भी बल्किंग में। तो जितना आपकी बॉडी क्लीन रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले उठते से मैं पानी लेता हूँ 1 ग्लास और फिर मैं अपना ये हैवी मील लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं सुबह उठते से मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहा हूँ और मॉर्निंग में सबसे इजी टू प्रिपेयर यही है मेरे लिए। और इसके बीच में मैं 1 से 1.5 घंटे का गैप रखता हूँ ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, तो एनर्जी देता है ना भाई, मतलब अलग ही लेवल। तो इस शेक को मैं लेने वाला हूँ पानी में। अगर आपको ठंडे पानी से प्रॉब्लम ना हो, तो वैसे भी गर्मी हो रही है, सब ठंडा ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसको अपन को थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मैं ऐसे ही करता हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद फिर ग्राइंड करूँगा और फिर पानी ऐड करूँगा ताकि ये जो केले वगैरह मैंने डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में देखा है कि उनको प्रोटीन पीने के बाद ब्लोटिंग होने लगती है और ये मेरे साथ भी होता था जब मैं चीप सप्लीमेंट यूज़ करता था। पर बायोजाम की खास बात ये देखी है मैंने कि इसकी रेंज इस तरीके से फॉर्मुलेटेड है जिससे आपका डाइजेशन और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस शेक में मैं डालने वाला हूँ 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। तो ये शेक हाई इन कैलोरीज तो है ही, साथ में हाई इन प्रोटीन भी बन गया है, क्योंकि मसल ब्लेज के बायोजाइन परफॉर्मेंस में 1 स्कूप में 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो इसे मैं यूज़ करता हूँ ताकि ये मेरा शेक मतलब बवाल बन जाए भाई। तो अब ये बन चुका है भाई, इसमें अपन पानी ऐड करेंगे। मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई ठंडा पानी डालो, गर्मी हो रही है। और मैं पानी से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं वर्कआउट करने वाला हूँ अभी कुछ देर में, तो मैं थोड़ा सा गैप लूँगा 1 से 1.5 घंटे का ताकि ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए मेरे को। और ये भाई अच्छी खासी एनर्जी दे जाता है, पानी मिला दिया पूरा। और अभी अपना तो भाई अपना शेक तो प्रिपेयर हो चुका है, पर उससे पहले मैं एक खुशखबरी बता देता हूँ भाई, जो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ सोच सोच के, और मेरे को पता नहीं मैं कितना खुश हूँ और मैं इस पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा है। और ये खुशखबरी सुन के आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। तो मसल ब्लेज सपोर्ट कर रहा है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, तो थैंक यू मसल ब्लेज। तो आप जब भी कुछ भी मसल ब्लेज से मंगाएं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं रिक्की30, जिससे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल्सो गाइज, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप लोगों के फायदे के लिए। मसल ब्लेज में इस साल की सबसे बड़ी सेल आ चुकी है 21 मार्च से 25 मार्च तक, जिसमें आपको सारे सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिलने वाले हैं। और अगर आप मेरा कोड रिक्की30 यूज़ करते हो तो आपको और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और एक और बात गाइस, इसमें एक न्यू फ्लेवर लॉन्च हुआ है, पीनट बटर फ्लेवर, जिसको ट्राई करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आप भी उसे ले सकते हैं मेरा कोड। और मसल ब्लेज से अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करना है रिक्की30 यूज करना, अपने भाई को सपोर्ट करना है भाई।
make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में अपन लेने वाले हैं 50 ग्राम ऑफ सोया, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होता, आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई नहीं, 54 ग्राम हो चुके हैं। अब इसको अपन किसी इसमें गर्म कर लेंगे। वैसे लोग भिगोते हैं, मैं कोई चुनता हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरे को हलचल करना होता सब कुछ इसको। वैसे अगर वो करोगे, कुछ जल रहा है? अच्छा, उसके नीचे कुछ था, ऐसे ही मेरे से कहते हैं कुछ जल रहा है। एक आध दिन गर्मी आग ना लगे, जब तक अपन छील लेते हैं अपने अंडे, जब तक वो गर्म हो रही है। कभी तुम्हारे साथ वो हुआ है जब अंडा छीलो पूरा अंडा टूट गया है? सच बताओ, इतना गुस्सा आता है कि पूरा अंडा फेंक दो। वो अंडा किसी कर्म का बचता भी नहीं वैसे तो। अपने अंडे छिल चुके हैं पूरे, इसमें अपन लेने वाले हैं 10 एग वाइट्स और 5 योक्स। इसको पीली गोली बोलते हैं, तो ये 5 लेंगे, क्योंकि मैं 5 से ज़्यादा इसलिए नहीं लेता क्योंकि मेरे को वैसे ही नहीं पसंद है। मैं सिर्फ ज़बरदस्ती लेता हूँ क्योंकि ये हेल्दी होती है काफ़ी। पर अभी गर्मी बहुत चल रही है और मेरे को है ना वॉमिट बहुत जल्दी आ जाती है हर चीज़ों में, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं लूँगा। इसको अच्छे से कुचल लो भाई, 2 चम्मच घी डाल दो, मन हो तो 3 भी डाल देना, ये आपको बल्किंग में ही हेल्प करेगा। तो ये गाइस शेजवान चटनी है, और ये मैं इसलिए डालता हूँ टेस्ट के लिए, क्योंकि ये विदाउट इसके बहुत बेकार टेस्ट लगती है। ये बहुत इजी लगता है भाई मेरे को बनाना। इसमें कुछ नहीं करना, आपको घी डालना है, शेजवान चटनी डालनी है और अपने सोया चंक्स डालने हैं। और इसको कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, बस इसको घुमाना है। अगर आप इसको और ज़्यादा घुमाओगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, पर मैं सॉफ्ट खाने पसंद करता हूँ। तो ये अपने हो गए सोयाबीन रेडी, ये अपने 10 अंडे, और इसको अपन इसमें डाल लें। और इसमें अपन लेने वाले हैं चावल। वैसे मैं मालूम ये है ना अलग से लेता हूँ, और चिकन अलग से लेता हूँ बना के, मैरिनेट करके रख देता हूँ मैं और फिर लेता हूँ। पर आज ये मिक्स बने हैं, लाइक नमकीन चावल या बिरयानी कह सकते हैं इसको, तो इसी में मिक्स है। तो चिकन मैं सॉरी मेज़र नहीं कर पाऊँगा, इसमें छोटे छोटे पीसेस डले चिकन के, तो अपन चावल मेज़र कर लेते हैं। चावल मैं ज़्यादा लूँगा, तो ये अपन ने लिए चावल 260 ग्राम, और वैसे मोस्टली मैं 300 ही लेता हूँ, पर अभी इसको मैं ख़त्म करूँगा और फिर 50 और ले लूँगा। ये अपने हो गए 10 अंडे, 5 एग वाइट और 5 होल, ये 54 ग्राम ऑफ सोया, और ये हैं अपने राइस। ये सिंपल कार्ब्स होते हैं, इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करो। और पर्सनली मेरे को राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादातर मील में अपने ये राइस ही कंज्यूम करता हूँ, और ये ईजी रहते हैं भाई डाइजेस्ट होने में।
तो इसको अपन ने करा 250 ग्राम। इसके मैक्रोज यहाँ पे मेंशन कर दूंगा मैं, आप देख लेना। मेरा ये पोस्ट वर्कआउट मील बहुत ज्यादा हैवी होता है, और मेरी मानो तो आपको भी प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील बहुत ज्यादा हैवी रखना चाहिए, क्योंकि जिम के बाद अपन को बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, तो अपन कोई भी हैवी मील लेने के लिए तैयार होते हैं। तो ट्राई किया करो, हैवी मील ही लिया करो उसके बाद, और अगर आप ये अपनी डाइट में ऐड करोगे तो सच में ये आपको काफ़ी खतरनाक चेंजेस देने वाले हैं। बिल्कुल अपन है ना, बिल्कुल आप मेरी कॉपी नहीं कर सकते, आप इस तरीके से थोड़े बहुत अपने हिसाब से चेंजेस करके आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। आप मेरी मानो तो ये इजी टू कुक है, आप इनको आराम से कुक कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। प्री वर्कआउट तो आप उसको शेक बना के कहीं भी ले जा सकते हो, और इसको आप कुक करके टिफिन में ले जाए कहीं भी ले जा सकते हो। अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप स्कूल में हो, जैसे कि मेरी एज में काफ़ी लोग स्कूल में ही हैं, तो आप इसको टिफिन में ले जा सकते हो यार, बहुत ही इजी टू कैरी है। इसके बाद वाली, जैसे अगर आप लोग मानो शाम को जिम जाते हो, तो जो अपन ने प्री वर्कआउट में शेक लिया था याद है, तो वो आप रात को भी ले सकते हो। वो उसमें इतनी कैलोरीज हैं कि आप अगर उसको दोबारा रिपीट ले लोगे ना, तो समझ लो बवाल हो जाएगा। तो मैं ना कभी ऐसा होता है ना कि मेरे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो मैं उस शेक को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चुटकियों में मैं अपनी कवर कर लेता हूँ कैलोरीज। तो जो प्री वर्कआउट वाला शेक है, अगर आप उसको दो बार ऐड कर पा रहे हो ना, तो सच में बहुत अच्छी बात है। और ये तो ध्यान ही रखना, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील अपन को हैवी ही लेनी है, कोई लाइट वेट का तो है ही नहीं भाई, नो लाइट वेट बेबी डाइट में। तो इसको अपन ख़त्म कर लेते हैं सबसे पहले। मेरी हालत वैसे ही ख़राब हो गई है भाई, गर्मियों में तो वर्कआउट करने के बाद और भूख लगने लगती है बहुत ज़्यादा। जिम में मैं कैरी नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है और वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता खाने का, तो मैं ये घर पे आके प्रिपेयर करता हूँ जब तक और भूख लग जाती है। तो भाई अपन इसको एंजॉय करते हैं। सॉरी भाई, मैं सो गया था वीडियो को बिना एंड करे, तो मैं वापस आ चुका हूँ। और आई होप ये दो मील्स आपकी हेल्प करेंगी बल्किंग जर्नी में, मेरे को तो बहुत हेल्प करी है इन्होंने। और यहाँ तक आप आई गए हो तो एक हिंट दे देता हूँ, मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था, वो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं एक वीडियो पे वर्क कर रहा था, उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वो वीडियो मैं बना रहा हूँ तरुण गिल के ऊपर, मैं उसको कोई हेट नहीं दे रहा हूँ ना कोई, वो सिर्फ मजाक के बनाया मैंने, और उसको इतना सीरियसली मत लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालने वाला हूँ तरुण गिल के ऊपर, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरा कोड रिक्की30 यूज़ करना मत भूलना फॉर ऑल मसल ब्लेस प्रोडक्ट। अपने भाई को सपोर्ट करना भाई।